झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भी सदन शोर शराबे में डूबा रहा। विपक्ष सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे, जहां भगवे टी शर्ट में सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया, रोजगार और नियोजन नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। लगातार सरकार को घेरते हुए दिख रही विपक्ष। पिछला बजट को उठा करके पढ़िए, इन्होंने कहा था बेरोजगारों को 5,000-7,000 भत्ता देंगे, एक साल हो गया किसी को नहीं मिला। इन्होंने कहा 100 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देंगे, एक साल हो गया यूनिट पर बल्कि बिजली बिल इन्होंने बढ़ाने का काम किया। इन्होंने कहा MSP रेट हम लोग 24 घंटा के अंदर देंगे, एक साल हो गया MSP रेट सालों साल तक इन लोगों ने तय नहीं करने पाए। तो ये हर जगह से फेल हैं, हर मोर्चे पर फेल हैं। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और बेरोजगारों के लिए यह सरकार घातक बन करके उभरी हुई है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बजट में भी हम लोग इनसे कोई उम्मीद नहीं करते। देखिए, यह विरोध की श्रेणी में इसको आप मत देखिए, इसको आप इस तरीके से देखिए कि हम लोग यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं और सरकार को हम लोग की मांग को मान लेना चाहिए। ये जो आंदोलन है ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। देखिए, पिछले बजट का ये सरकार 30% राशि भी नहीं कर पाई है, खर्च नहीं कर पाई है। तो हम लोगों को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इस बजट से तो छोड़िए। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर कर्जा, 1 रुपया में माफ करा ली।